मांडा क्षेत्र के सेन गुलापुरा के पूर्व प्रधान लाल बहादुर यादव ने ऊपर ग्रामीणों का आरोप है कि हमारा पैसा हमारे नाम से निकाल ले है और प्रधान जी ने लेकिन अभी तक भी काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि एक ही जगह का वह एक बार मेरे पिता के नाम से पैसा निकाला गया है तो दूसरे बार बेटे के नाम से पैसा निकाला गया है लेकिन उसके बावजूद भी आज तक काम नहीं हुआ है। सोमवार को प्रयागराज के आए अधिकारियों के जाँच करने के लिए तो प्रधान ने फोन किया गया है तो आपके गाँव में हम विद्यालय पर आए गए हैं तो प्रधान जी ने कहा है कि आज तो हम नहीं पहुंच पाएंगे हम बाहर के आए हैं। आखिर वह मैं अगर मेरे प्रधान जी सही है तो मैं उनके अधिकारियों के सामने आना चाहिए क्योंकि अधिकारियों के सामने प्रधान जी की नहीं आना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो सामने ये आ रही है कि पूरा मामला देखे ही पूर्व प्रधान के द्वारा किया गया है 80 स्कूटर लगे गले का भी गबन पे जिसकी वजह से प्राथमिक विद्यालय के पूर्व माध्यमिक के विद्यालय में बच्चों को नहीं मिल पा रहा है मिड डे मील। एक ही जगत का पर दो दो पैसा बार निकाल लिए हैं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि शिकायतकर्ता श्री ये कृष्ण मुरारी जी ने शिकायत की है कि उनके समय कार्यकाल जो 2010 से 2015 का था उसमें उन्होंने कुछ कार्य कराए हैं जो कि काम के दो बार पैसा निकाले हैं। जी जी तो हालांकि आज वो किसी काम बस बाहर थे उपस्थित थे नहीं जी और यहाँ लोग तो कह रहे थे कि दो बार पैसा निकाले लेकिन संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता जी जब तक वो रहेंगे नहीं। अब उन ये तिथि जो है 21 तारीख को रखी गई 21/9/2019 को जी जी अब उस दिन वो रहेंगे तो उनकी उपस्थिति में जाँच होगी जी जैसी स्थिति आएगी उसका जवाब देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? मूलचंद वर्मा जी। और अभियंता ग्रामीण अंतर विभाग विकास खंड मंडल के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस